नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन। मेरे YouTube चैनल ऐसा क्या में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कंप्यूटर या लैपटॉप में वाईफाई का पासवर्ड कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने ये देखना है तो प्लीज़ ये वीडियोस आखिर तक देखते रहिए। इससे पहले दोस्तों, अगर मेरा YouTube चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब सेक्शन में इसको सब्सक्राइब करें। इसमें मैं इंटरनेट गूगल और एंड्रॉयड से रिलेटेड इसमें ट्यूटोरियल्स डाल रहता हूँ जो बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। ये मेरा वाईफाई कनेक्शन है, कंट्रोल पैनल खुल गया है। ये मेरा कंट्रोल पैनल खुलने के बाद यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट है, इस पर क्लिक किया मैंने, ये खुल गया। आपने इस पे टॉप पे हमने यहाँ पे क्लिक करना नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इस पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे कनेक्शन ये चल रहा है वाईफाई जर्वेश के नाम पे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास सारी डिटेल आ गई है, SSD, SSID नंबर एंड स्पीड कितनी है, सिग्नल क्वालिटी क्या है। इस पे आप ये भी चेक कर सकते हैं अगर आपने सिग्नल क्वालिटी वगैरह ये फाइंड करना है। ये हमें डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन हमने पासवर्ड देखना है। तो यहाँ पे वायरलेस प्रॉपर्टी पे जाएंगे। वायरलेस प्रॉपर्टी के जाने के बाद ये कनेक्शन और सिक्योरिटी, कनेक्शन को नहीं छेड़ना, ये सेटिंग नहीं छेड़नी है। अभी आपने सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद ये आपका पासवर्ड आ गया। अब पासवर्ड तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस चीज़ में, पासवर्ड कैसे देखेंगे? यहाँ पे शो पासवर्ड, एक बार कैंसिल करें, दोबारा करते हैं। दोस्तों ये पासवर्ड है मेरा, यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे शो किया जैसे ही मैंने, तो ये मेरा पासवर्ड आ गया। इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। मैं आपको कॉपी कॉपी किया यहाँ से, और आप कहीं भी यहाँ पे वर्ड पे यहाँ पर नोट्स में आके पेस्ट कर सकते हैं ताकि आप बोले ना इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।